विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द थोरेसिक चेम्बर इन ह्यूमन। इट इज़ एन एयर टाइट चेम्बर इन विच लंग्स आर सिचुएटेड। सही बात है। इट इज़ फॉर्म्ड वेंट्रली बाय स्टर्नम एंड डॉर्सली बाय रिब। नहीं, ये वेंट्रली स्टर्नम से फॉर्म्ड होता है लेकिन डॉर्सली रिब से नहीं, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से। इट इज़ फॉर्म ऑन द लोअर साइड बाय डोम शेप डायफ्राम। सही है। नॉट करेक्ट पूछा तो नॉट करेक्ट, हमारे पास बी इज नॉट करेक्ट। विच द फॉलोइंग प्लांट हॉर्मोन अलो द प्लांट टू विट स्टैंड एक्सट्रीमली ड्राई क्लाइमेट। तो ए बी ए इज स्ट्रेस हॉर्मोन, जो कि देखो ए बी ए जो होता है स्ट्रेस हॉर्मोन होता है जो कि स्ट्रेस में काम आता है। स्ट्रेस में काम आना मतलब हमारे पास ड्राई कंडीशन में काम आना, दुविधा के समय काम आना, है ना। ए बी ए हेल्प इन स्टीड टू विट स्टैंड डिसिकेशन एंड फैक्टर अनफेवरेबल फॉर द ग्रोथ, दैट इज एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन और क्लाइमेट। द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। जब फीकल डिस्चार्ज की लिक्विडिटी बढ़ जाए तो उसको डायरिया बोलेंगे। जब फीकल डिस्चार्ज की लिक्विडिटी बढ़ जाए उसको डायरिया बोलेंगे, तो लोग कन्फ्यूज आते हैं डायरिया और कॉन्स्टिपेशन में। तो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी अगर लिक्विडिटी की बात है तो डायरिया, और इरेगुलर बाउल मूवमेंट वैन बाउल मूवमेंट बिकम इरेगुलर देन इट इज नोन एज कॉन्स्टिपेशन, तब उसको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिपेशन। जब लिक्विडिटी बढ़ जाए दैट इज इफ देर इज अ लिक्विडिटी इन, है ना, इफ देर इज लिक्विडिटी, अगर लिक्विडिटी हो जाए, लिक्विडिटी बढ़ जाए किसमें, फीकल डिस्चार्ज में, तो हम तो डायरिया बोलेंगे। लेकिन अगर इरेगुलर हो जाए बाउल मूवमेंट, याद रखना यहाँ पे इरेगुलर वर्ड से हम क्या देखेंगे, इरेगुलर वर्ड आते ही हमने बोला कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा आंसर। इरेगुलर वर्ड आते ही अपना आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन। इरेगुलर वर्ड आते ही अपना आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन। और हमने बोला अगर यहाँ पे ना लिक्विडिटी की बात है तो डायरिया, लिक्विडिटी की बात है डायरिया, लिक्विडिटी की बात है डायरिया। द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टबैको स्टेम द कैलस प्रोलीफरेट ओनली इफ इट कंटेन, है ना। जो कैलस होता है वो प्रोलीफरेट करता है जब इसमें क्या मिलेगा, साइटोकाइनिन मिलेगा, साइटोकाइनिन या फिर, है ना, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन। साइटोकाइनिन जो होता है किसको प्रमोट करता है, इट प्रमोट शूट फॉर्मेशन, ये शूट फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा, और ऑक्सिन जो होता है रूट फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा, है ना। तो दोनों होते हैं मीडियम में, तो साइटोकाइनिन कहाँ से मिलेगा, कोकोनट ऑयल, कोकोनट मिल्क या फिर कोकोनट ऑयल से हमको क्या देखने को मिलेगा, कोकोनट मिल्क या फिर कोकोनट ऑयल से हमको क्या देखने को मिलेगा, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन हमको। तो ऑक्सिन दिया है ऑप्शन में, तो हमारे पास यहाँ पे कोकोनट मिल्क एंड ऑक्सिन रेशियो डिटरमाइन करता है कि शूट बनेगा कि रूट बनेगा, है ना, रेशियो डिटरमाइन करेगा। अब यहाँ पे जो ना हाई ऑक्सिन है और साइटोकाइनिन कम है तो यहाँ पे ये रूट डिफ्रेंशिएशन, और हाई साइटोकाइनिन लो ऑक्सिन तो शूट डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। इसको मॉर्फोजेनेसिस हम बोलते हैं, इसको मॉर्फोजेनेसिस हम बोलते हैं, ओके। और यहाँ पे साइटोकाइनिन कहाँ पाएगा, हम बस कॉर्न क्रेलन में देखने को मिलेगा, कोकोनट मिल्क में देखने को मिलेगा साइटोकाइनिन, ठीक है। एंड बिल्कुल सही, कैलस के समय, कैलस के प्रोलिफिकेशन के समय मतलब टिश्यू कल्चर के समय हमने बोला ऑक्सिन और साइटोकाइन इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स होते हैं, ओके। अपना आंसर हो गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। कॉलम ऑफ बटनी, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इन बिटवीन द रिनल पिरामिड। सही है। रिनल कॉलम, बाउमेंस कैप्सूल एंड, है ना, रिनल कार्पुसल, सॉरी रिनल कार्पुसल किसको बोलते हैं, बाउमेंस कैप्सूल एंड ग्रोमेलस को मिला के, यस। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, वासर एक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस। सही है। पोडोसाइट, क्यूबोडल एपिथिलियम ऑफ द बाउमेंस कैप्सूल। नहीं, पोडोसाइट आर द सेल्स नॉट क्यूबोडल एपिथिलियम, ये एपिथिलियम नहीं है, पोडोसाइट क्या है, पोडोसाइट आर द सेल्स, दे आर एपिथिलियल सेल ऑफ द बाउमेंस कैप्सूल, है ना। पोडोसाइट इसको बोलते हैं जो क्या बनाते हैं, स्लिट, स्लिट पोर बनाते हैं ये। नेक्स्ट, तो इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जाएगा गत, फोर्थ गत है अपने, है ना। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द रेफरेंस टू मेल, इन रेफरेंस टू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, है ना। स्पोरोजिनस टिश्यू ऑफ यंग एंथर इज कंपोज्ड ऑफ होमोजिनस सेल, यस। जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है जो कि क्या बनाता है, मेगास्पोर मदर सेल, नहीं माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो होमोजिनस सेल होता है। होमोजिनस मतलब क्या होगा, सब तरफ बिखरा होगा, देखो बिल्कुल होमोजीनस होता है, कैसा होता है ये होमोजीनस, कैसा 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 होमोजीनस, अ होमोजीनस सेल कॉल्ड एज स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है ना। एंथर इज यंग, द ग्रुप कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम का सेंट्रल पोर्शन है वो क्या होता है, वो स्पोरोजीनस टिश्यू कंस्टिट्यूट करते हैं जो कि होमोजीनस सेल होते हैं, एक जैसे सेल, ठीक है। और वहीं से कोई एक सेल क्या होगा, वहीं से सेल जो होंगे, एक सेल नहीं, हर सेल जो होता है वो होता है पोटेंशियल पोलन मदर सेल, है ना। तो हर सेल क्या कर सकता है, पोलन गैंग फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है।
अ टिपिकल एंजियोस्पर्म इज बाई लोब्ड एंड डाइथिकस। यस, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म जो एंजियोस्पर्मिक जो एंथर होता है वो बाई लोब्ड होता है, दो लोब होते हैं इसके अंदर, और डाइथिकस एक लोब के अंदर दो थीका पाए जाएंगे, एक लोब के अंदर दो थीका पाए जाएंगे, सो इट इज टेट्रा स्पोरेंजिएट, सो इट इज टेट्रा स्पोरेंजिएट। ओके, तो ये सही है अपने पास। एंथर कंसिस्ट ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजियम लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ, है ना, लोकेटेड एट द कॉर्नर, है ना, टू इन ईच लोब, टू इन ईच लोब, है ना, डाई थीका से दो लोब है ना, तो इसमें दो लोब में से एक लोब में दो पाया जा रहा है, एक लोब में दो पाया जा रहा है। देखो एंथर जो है, अगर हमने बोला, अगर यहाँ पे बात करें हम, है ना, ट्रांसफर सेक्शन में एंथर कैसे दिखेगा, टेट्रागोनल। ट्रांसफर सेक्शन में एंथर दिखेगा टेट्रागोनल, कंसिस्टिंग ऑफ द फोर माइक्रोस्पोरेंजिया दैट आर लोकेटेड एन द कॉर्नर, टू इन ईच लोब। सही है ये। टैपिटम हेल्प इन डहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन किड। नहीं, टैपिटम नरिशमेंट में हेल्प करता है, डहिसेंस में तो हमारे पास जो आउटर थ्री लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी आउटर थ्री लेयर्स जो होती है अपने पास, टैपिटम जो होता है नरिशमेंट में हेल्प करता है, और डहिसेंस में कौन हेल्प करते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर, दैट आर द आउटर थ्री लेयर, ठीक है ना, वो प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डहिशंस करेंगे, ठीक है ना, पोलन का। चूज विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हार्ट फेलियर, अ कंडीशन इन विच हार्ट स्टॉप बीटिंग। नहीं, तो कार्डियक अरेस्ट है ये, कार्डियक अरेस्ट है तो गलत हो गया पहला। वेन हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। नहीं, ये नहीं है। हार्ट फेलियर में क्या होता है, व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड सफिशिएंटली टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, तो हार्ट फेल हो गया। फेल हो गया इसका मतलब ये नहीं कि जीरो मार्क्स आए हैं, फेल हो गया इसका मतलब कम मार्क्स आए हैं, ठीक है ना। कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ द डिसीज। सही है, हमने बोला चेस्ट पेन। नहीं, ये तो एंजाइना पेक्टोरिस के लिए बात कर रहे हैं, चेस्ट पेन दिखती है एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर जो होता है जनरली क्या होता है, इट समटाइम्स कॉल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेशन जो होगा लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम डिसीज, मतलब अगर ब्लड जो है लंग्स में भरना चालू हो जा रहा है, मतलब ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का ये साइन है, मतलब हार्ट क्या हो चुका है, फेल हो चुका है, पंप नहीं कर रहा ठीक से ब्लड, ठीक है ना। ओके, द पोलन ग्रेन वायबिलिटी इज हाईली वेरिएबल, सेलेक्ट द लीस्ट वायबल पोलन ग्रेन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द ऑफ चॉइसेस, ठीक है। सबसे कम वायबल जो होंगे वो राइस में होंगे, 30 मिनट्स, जस्ट 30 मिनट्स के लिए वायबल होंगे राइस और वीट में, तो आगे 30 मिनट्स इंपॉर्टेंट भी है, 30 वाई राइस और वीट में 30 मिनट्स के लिए हमने बोला लेग्यूमिनेसी, रोजेसी या सेरेनेसी में ये मंथ्स तक, जैसे कि हमने बोला राबड़ी जी, है ना लालू जी राबड़ी जी स्विट्जरलैंड चले गए, लालू जी राबड़ी जी कहाँ चले गए, स्विट्जरलैंड चले गए, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल किसका है, ये हमारे पास मंथ्स के लिए, बहुत मंथ्स के लिए चले गए, बहुत मंथ्स के लिए चले गए छुट्टी मनाने के लिए, ठीक है। ओके, तो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पोलन जिनमें बहुत ज्यादा वायबल होगा, मंथ तक वायबल जिनमें होगा। टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक कंटेन 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल, दिस 8 न्यूक्लियस आर फॉर्म बाय, है ना, 8 न्यूक्लियस जो बना वो कैसे बनेगा, 8 न्यूक्लियस जो होगा वो हमारे पास नंबर ऑफ जो माइटोसिस होगा, नंबर ऑफ माइटोसिस कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ माइटोसिस निकालते हैं नंबर ऑफ सेल माइनस वन करके, तो 8 सेल है तो 7 7 माइटोसिस होकर क्या बना होगा, अपने पास 8 न्यूक्लियस बना होगा। ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, द फर्स्ट हार्ट साउंड लव इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ बोथ सेमिनल वॉल। नहीं, जो लव है इट इज ड्यू टू द क्लोजनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल, ठीक है, तो गलत हो गया ये। ड्यूरेशन बिटवीन द एडजेसेंट सेकेंड, ओके, ड्यूरेशन बिटवीन द एडजेसेंट सेकेंड हार्ट साउंड एंड द फर्स्ट हार्ट साउंड 0.3। नहीं, हमने बोला ड्यूरेशन, देखो जरा हमारे पास एक कार्डियक साइकिल सर्कल से बनाते हैं, कार्डियक साइकिल में ऐसे बना लेंगे, कार्डियक साइकिल आर्टेरियल सिस्टोल हो जाएगा, यहाँ पे आर्टेरियल सिस्टोल, फिर आर्टेरियल डायस्टोल, फिर आर्टेरियल डायस्टोल, फिर आर्टेरियल डायस्टोल चलता ही जाएगा, आर्टेरियल डायस्टोल, आर्टेरियल डायस्टोल, आर्टेरियल डायस्टोल, आर्टेरियल डायस्टोल, और जो वेंट्रिकल सिस्टोल होंगे, जो वेंट्रिकल सिस्टोल होंगे, जो वेंट्रिकल सिस्टोल होंगे, यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, ठीक है, 3 सेकंड के लिए वेंट्रिकल सिस्टोल होगा और 1 सेकंड के लिए क्या होगा अपने पास, 1 सेकंड के लिए आर्टेरियल सिस्टोल होगा। तो यहाँ पे, यहाँ से हमारे पास, यहाँ पे जो हार्ट साउंड है वहाँ पे पहला हार्ट साउंड यहाँ पे देखने को मिलता है लव, ठीक है ना, और यहाँ पे दूसरा हार्ट साउंड इट इज डब, लव डब, लव इज ए ना लो इंटेंसिटी होती है लेकिन इसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, डब की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है लेकिन ड्यूरेशन कम होता है। यहाँ से यहाँ तक का ड्यूरेशन जो होगा 0.3 सेकेंड, एक डब्बे का जो ड्यूरेशन है वो 0.1 सेकेंड है, एक डब्बे का जो ड्यूरेशन है वो 0.1 सेकेंड है,
ठीक है, तो हमारे पास अगर पूछा है सेकंड हार्ट साउंड से द ड्यूरेशन बिटवीन द सेकंड हार्ट साउंड टू द फर्स्ट हार्ट साउंड, तो ये ड्यूरेशन जो होगा वो 0.5 सेकंड का होगा, तो ये 0.3 बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। द कार्डियक आउटपुट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड विद द हार्ट बीट पर मिनट। यस, जो कार्डियक आउटपुट होता है, कार्डियक आउटपुट जो होता है, देखो कार्डियक आउटपुट की बात करें तो कार्डियक आउटपुट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड विद द हार्ट रेट, दैट इज द कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा सही, तो हमारे पास सी पर सिर्फ सी सही है और ये एन बी इज इनकरेक्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। डी एफ सी बिगिन विद डेड ऑर्गेनिक मैटर, सही बात है, डी एफ सी डेड ऑर्गेनिक मैटर चालू होता है। अरे यहाँ पे क्या बोला, इनऑर्गेनिक मैटर बोला था, मैं गलत हो गया यहाँ पे, ये इनऑर्गेनिक मैटर चालू नहीं होता, डेड ऑर्गेनिक मैटर चालू होता है, तो गलती में से निकल जाता है मुँह से, माफ कर देना। चलो, डी एफ सी इज अ मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो इन टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम। यस, डी एफ सी मतलब टाइटस फूड चेन जो होता है, मेजर कंड्यूट होता है, मतलब मेजर चैनल फॉर एनर्जी फ्लो इन टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम। एन जी एफ सी दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन ऑफ एक्वेटिक, है ना, ऑफ एक्वेटिक इको सिस्टम इज लॉन्गर देन टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मेजर कॉन्ड्रीट होता है एनर्जी ट्रांसफर का जी एफ सी, इसीलिए वो लॉन्गर होता है। डी एफ सी एंड जी एफ सी आर कम्प्लीटली सेपरेट चेन, नो दे कैन बी इंटरकनेक्टेड। जैसे कि एनसीईआरटी ने बोला कि हमारे पास जो डी एफ सी है और जी एफ सी है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकती है एट मैनी प्लेसेस। डेट्राइटस फूड चेन मे बी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल, ठीक है ना, दे आर कनेक्टेड नॉट सेपरेटली डिफरेंट। तो हमारे पास 2 और 3 आर करेक्ट, और ये हमारे पास 2 और 3 करेक्ट ही पूछा, अपने को 2 और 3 करेक्ट है अपने पास। सेलेक्ट सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। एल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, सही बात है। ग्लोबिनिन हेल्प टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, सही बात है। फाइब्रिनोजन प्रिवेंट ब्लड लॉस, सही बात है। तीनों सही है हमारे पास, देखो सब सही है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ऑल ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे जो ब्लड क्लॉट ऑस्मोटिक प्रेशर को जो मेंटेन करेगा वो एल्ब्यूमिन करेगा, ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म, फाइब्रिनोजन कोगुलेशन में, और ब्लड विदाउट क्लॉटिंग प्रोटीन दे आर सीरम, और सीरम जहाँ पे होगा वहाँ पे कोगुलेशन नहीं होगा। सीरम की बात करें तो ब्लड है ना बिल्कुल, सीरम जो होगा उसमें कोगुलेशन नहीं होगा, प्रोटीन प्रोटीन सी नहीं है इसमें। द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड ए सैरे। यस, सैरे इज द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया इज सैरे। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन तो पहले बात करिए, पेप्टाइड हार्मोन है कि ये देखो हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन, जितने भी हमारे पास पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं दे आर पेप्टाइड हार्मोन। तो हमारे पास जो ऑक्सीटोसिन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, तो ऑक्सीटोसिन क्या हो गया, एक पेप्टाइड हार्मोन हो गया। पेप्टाइड हार्मोन हो गया तो मतलब ये प्रोटीन हार्मोन हो गया, और प्रोटीन हार्मोन के लिए कैसे रिसेप्टर पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर पाए जाते हैं, है ना मेम्ब्रेन रिसेप्टर पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन रिसेप्टर क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर, सेकेंडरी मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं ये। इट क्रॉस द टारगेट सेल मेम्ब्रेन, नो इट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। इट बाइंड टू स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, नहीं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर सकता। इट रेगुलेट सेकेंडरी मैसेंजर इनसाइड सेल टू गिव फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, सही है ये। ड्यूरिंग एन इकोलॉजिकल सक्सेशन मेनी चेंजेस अकर, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सक्सेशन। सम स्पीसीज कॉलोनाइज एंड सम स्पीसीज डिसअपियर, ये भी सही है। सम स्पीसीज कॉलोनाइज एंड सम स्पीसीज डिसअपियर, डेंसिटी और सॉरी डायवर्सिटी विल नॉट चेंज ड्यूरिंग सक्सेशन। यस, ये चेंज होता है, गलत हो गया ये, है ना, दे चेंज, ये नॉट चेंज बोल रहा है, गलत बोल रहा है। टोटल बायोमास इंक्रीजेस, सही बात है। स्पीसीज नंबर इंक्रीजेस, सही बात है। चलो, एनसीईआरटी ने क्या बोला, एनसीईआरटी ने बोला कि सही जो बोला है वही लिखा है। हमारे पास एनसीईआरटी बोलती है कि हमारे पास स्पीसीज का नंबर बढ़ रहा है, बायोमास बढ़ रहा है, एनसीपी कम हो रहा है, बायोटिक पोटेंशियल कम हो रहा है। चलो, ये सब चीज़ की बात करेंगे, एनसीईआरटी लाइनों पे चलते हैं, लाइनों पे चलते हैं, लाइनों पे चलेंगे क्या। हाँ, यहाँ पे बोला है कि द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया इज सैरे एंड, है ना, द इंडिविजुअल ट्रांजिशन, बिल्कुल, द सक्सेसिव स्टेज चेंज द डायवर्सिटी ऑफ द इन सक्सेसिव सीरियल स्टेज डायवर्सिटी ऑफ स्पीसीज चेंजेस, है ना। इंक्रीज इन द स्पीसीज का नंबर इंक्रीज होगा, बायोमास इंक्रीज होगा, है ना, चेंजेस हो गए। तो यहाँ पे ये हो गया, तो अपने पास आंसर क्या जाएगा, 1, 3 एंड 4 इज करेक्ट। तो रॉन्ग पूछा अपने को, ओनली 2 इज रॉन्ग, ओनली 2 इज रॉन्ग। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइगर्स ऑफ स्पीसीज विच हैव रिसेंटली गॉन एक्सटिंक्ट एक्सेप्ट, ठीक है ना। तो जावन, बाली एंड कैस्प्रिन आर द टाइगर स्पीसीज, क्वागा नहीं है, क्वागा नहीं है, क्वागा तो अफ्रीका में एक्सटिंक्ट हो चुका है। ओके, बाली, जावन एंड कैस्प्रिन आर सब स्पीसीज ऑफ टाइगर। ओके, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज इंक्रीज बाई 0.6 डिग्री सेल्सियस इन द पास्ट सेंचुरी। यस,
CH4 कंट्रीब्यूट टू अबाउट 14% ऑफ ऑल ग्रीन हाउस गैसेस टू ग्लोबल वार्मिंग. नहीं, CH4 जो होता है 14% कंट्रीब्यूटिंग होता है, CH4 तो 20% कंट्रीब्यूट करता है. तो बताओ 14% कंट्रीब्यूट कौन करता है? CFC कंट्रीब्यूट करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंट्रीब्यूट अबाउट 14% ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस फॉर ग्लोबल वार्मिंग. तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है. क्लाउड एंड गैस रिफ्लेक्ट अबाउट 1/3. नहीं, दे रिफ्लेक्ट 1/4. दे रिफ्लेक्ट 1/4 ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ठीक है ना, दे रिफ्लेक्ट 1/4, ये वाला गलत हो जाएगा. अल नीनो इज द फर्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ आइस केप. नहीं, अल नीनो इज अ, है ना, ये कोई मेल्टिंग नहीं है. अल नीनो क्या है? क्लाइमेटिक, मैंने बोला क्लाइमेट में कोई प्रॉब्लम आ गया है ना, तो ये गलत हो जाएगा. अपने पास पहला ही सही है. देखो, हमने बोला इन पास्ट सेंचुरी द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस, और हमारे पास CFC 14% कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैसेज में, मीथेन 20% कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैसेज में, और हमारे पास देखो कि बोल रहा है कि क्लाउड्स एंड गैसेज रिफ्लेक्ट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड एब्जॉर्ब सम ऑफ इट. बट देखो ये लाइनें छोड़ो, हमने बोला एक लाइन एक डायग्राम से दिख जाएगा हमने को. ये देखो, क्लाउड जो होते हैं वो 1/4 को रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, 1/4 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो 1/2 हमारे पास अर्थ में आता है वो भी इसमें भी रिफ्लेक्ट होता है, उसमें कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है. तो अर्थ इसलिए टेम्परेचर क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है. यही क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है. और अलिनो क्या है? अलिनो क्या है? अलिनो इज अ ओल्ड क्लाइमेटिक चेंजेस, दिस आर ओल्ड क्लाइमेटिक चेंजेस, ठीक है ना. तो अपने पास पहला स्टेटमेंट सही है. विच द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर डोडो एक्सटिंक्ट हो गया, है ना. डोडो क्यों एक्सटिंक्ट हो गया? ये ओवर एक्सप्लोटेशन की वजह से एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है. ओके, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर. क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर, द क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ब्योडी रिफर्स टू द ब्योडी द मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज डिजॉल्व इन वाटर, ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट इन वाटर. क्या क्या बोल रहे हैं? दैस रिफर्स टू द इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट लाइक मर्क्यूरी एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल. कल भी क्वेश्चन आया था, आज भी आ रहा है, बार बार आ रहा है क्वेश्चन, तो हिट लिस्ट में चला गया. बायो मैग्निफिकेशन दैट इज द इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल दैट इज नोन एज बायो मैग्निफिकेशन. इन अ फुल्ली ऑर्गेनाइज पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक व्हाट इज रेशियो ऑफ हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस. ठीक है, तो हैप्लॉइड कितने हो जाएंगे? 6 हैप्लॉइड होंगे अपने पास, 6 हैप्लॉइड होंगे, और डिप्लॉइड हो जाएगा एक हमारे पास, है ना, जो सेंट्रल सेल वाला होगा, और ट्रिप्लॉइड तो 0 होगा क्योंकि बिफोर फर्टिलाइजेशन हमने फुल्ली ऑर्गेनाइज मैंने एम्ब्रियो सैक बोला है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं. और डिप्लॉइड हमारे पास कौन है? डिप्लॉइड हमारे पास प्लॉइड न्यूक्लियर है, बाकी हैप्लॉइड एंटीपोडल होगा, यार हैप्लॉइड यहाँ पे 3 सिनर्जिड हो गए, 3 एंटीपोडल एंड 3 सिनर्जिड. तो 6:1:0, 6 haploid, 1 diploid and no triploid. Which of the following flowering plant is invariably autogamous? तो कॉमेलाइना है ना, वायोला एंड ऑक्सिलिस, दिस आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस. तीनों है यहाँ पे, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नहीं दिया तो नॉन ऑफ दिस आंसर जाएगा, है ना. और यहाँ पे कॉमन पेंसी किसको बोलते हैं? वायोला इज नोन एज कॉमन पेंसी, ठीक है. वायोला इज नोन एज कॉमन पेंसी. देखो वायोला क्या बोलते हैं? कॉमन पेंसी. यहाँ पे वायोला में कॉमन लाइना एंड ऑक्सिलिस दे प्रोड्यूस है ना कैलिस्टोगेमस फ्लावर, एंड कैलिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, मतलब इनमें सिर्फ और सिर्फ ऑटोगेमी देखने को मिलेगा, इनमें सिर्फ और सिर्फ ऑटोगेमी देखने को मिलेगा. विच द फॉलोइंग डिसऑर्डर कैन नॉट बी स्टडीड बाय पेडिग्री एनालिसिस. पेडिग्री एनालिसिस हम सिर्फ उसी डिसीज को देख सकते हैं जो कि मेंडेलियन डिसीज है, जो कि क्या फॉलो करते हैं? मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. सिस्टिक फाइब्रोसिस मेंडेलियन डिसीज, डाउन सिंड्रोम इज नॉट अ मेंडेलियन डिसीज, इट इज अ क्रोमोसोमल डिसीज, सिकल सेल एनीमिया इज अ मेंडेलियन डिसीज, फाइनार्की टू यूरिया इज अ मेंडेलियन डिसीज. तो डाउन सिंड्रोम क्या है? एक क्रोमोसोमल डिसीज है जो कि क्या नहीं फॉलो करता? मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसका पेडिग्री चार्ट हम बना नहीं सकते. पेडिग्री चार्ट हम मेंडेलियन डिसऑर्डर का ही बना सकते हैं. तो हमारे पास क्या है, है ना, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया एंड फिनाइलकीटोन्यूरिया, दीस आर मेंडेलियन डिसऑर्डर विच फॉलो द लॉ ऑफ मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. तो इनके लिए हम पेडिग्री बना सकते हैं, इनके लिए हम पेडिग्री बना सकते हैं. लेकिन जैसे हम बात किया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, डाउन सिंड्रोम की, टर्नर सिंड्रोम की, तो ये क्रोमोसोमल डिसीज है, इनके लिए क्या नहीं बना सकते? पेडिग्री नहीं बना सकते. द साइज ऑफ द सीड ग्रेन इन द पी प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है मिराबिलिस ज़ेलाफा में फ्रूट कलर, सॉरी फ्लावर कलर इन मिराबिलिस ज़ेलाफा, फ्लावर कलर इन एंडीराइना मेजस, एंड फाउल कलर इन एंडोल्यूशन फाउल, है ना, फाउल इन फेदर कलर इन एंडोल्यूशन फाउल, एंड स्टार्च ग्रेन साइज इन द पी, इट इज एन इन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना. अगर दोनों डोमिनेंट हो जाएंगे तो वैसे देखने को मिलेगा, है ना, और एक डोमिनेंट एक रिसेसिव तो छोटा देखने को मिलेगा, और एक दोनों रिसेसिव है तो बहुत छोटा देखने को मिलेगा. ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है. ओके, इन विच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मेल एंड मेल आर हेट्रोगेमेटिक एंड हैव क्रोमोजोम नंबर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट देन फीमेल.
इन विच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मेल आर हेटरोगैमेटिक एंड हैव क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट देन फीमेल। ठीक है, तो हेटरोगैमेटिक तो हमारे पास ड्रोसोफिला में होगा, ह्यूमन में होगा, बर्ड्स में तो मेल हेटरोगैमेटिक होते ही नहीं, तो बर्ड्स में तो फीमेल हेटरोगैमेटिक होते हैं। और यहाँ पर ड्रोसोफिला और ह्यूमन में तो मेल का और फीमेल का जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 23 23 सेम है, लेकिन बग्स मतलब मैंने बोला इंसेक्ट की बात हो रही है, बर्ड्स मतलब इंसेक्ट की बात हो रही है, इंसेक्ट में हमने बोला एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे मेल्स में एक क्रोमोसोम कम होता है फीमेल्स के कंपेरिजन में। ठीक है ना, ग्रास ऑपर्स में, कॉकरोच में, बग्स में देखने को मिलेगा अपने को एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, इंसेक्ट में, ग्रास ऑपर में और कॉकरोच में, इंसेक्ट, ग्रास ऑपर एंड कॉकरोच टू एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन विच मेल इज हेटरोग्रामेटिक, है ना, हमेशा हेटरोग्रामेटिक जो बॉडी है वही डिटरमाइन करेगा सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। टेलर एंड हिज कॉलिग प्रूव दैट टेलर एंड हिज कॉलिग प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऑन विसिया फावा दैट इज फेवा बीन्स बाय द हेल्प ऑफ यूजिंग रेडियो एक्टिव थायमिडीन। देखो यूकेरियोट में शो किया था टेलर ने 1958 में कि हमारे पास जो फेवा बीन है जिसको हम लोग विसिया फावा बोलते हैं वहाँ पर इस्तेमाल किया था रेडियो थायमिडीन का, और इससे बताया था कि यूकेरियोट में भी डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है सेमी कंजर्व मोड में होता है। मिशेलसन और स्टाल ने तो ये बताया था कि प्रोकैरियोट्स में ही कोलाई का हेल्प करके ये बताया था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो डीएनए एप्लीकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, मतलब एक तो पेरेंटल स्टैंड होता है और एक न्यूली सिंथेसाइज होता है। मैकलॉयड मैकार्टी एंड एवरी डिटरमाइन दैट आर स्टैंड बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म इनटू असिस्टेंट बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ डीएनए। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को बताया था एवरी कॉटिन मैकलॉयड ने, तो बोला था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन। यस, फाइंड द करेक्ट मैच नॉन डिजेनरेट कोडोन, मतलब ज़्यादातर जो कोडोन होते हैं वो डिजेनरेट होते हैं, मतलब चरित्रहीन, चरित्रहीन मतलब वन अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, वन अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, तो ऐसा कौन सा कोडोन है जो कि डिजेनरेट होता है, मतलब एक ही अमीनो एसिड होता है, मतलब एक ही कोडोन होता है जो कि उसको कोड करता है, तो यूजीजी, यूजीजी मतलब जो ट्रिप्टोफैन के लिए कोड करता है यूजीजी और एयूजी, दिस आर डिजेनरेट कोडोन्स, दिस आर डिजेनरेट, दिस आर नॉन डिजेनरेट कोडोन्स, मतलब यहाँ पे क्या होगा एक ही कोडोन होगा जो कि इनको कोड, एक ही कोडोन होगा जो ट्रिप्टोफैन को और ना मिथ्यून को कोड करता है, यूजीजी कोड फॉर ट्रिप्टोफैन एंड एयूजी कोड फॉर मिथ्यूनिन, तो अपने पास नॉन डिजेनरेट कोडोन कौन हो जाएंगे, है ना, यूजीजी, तो ए का क्या हो जाएगा थ्री, ए का थ्री तीन तीन में है और बी का वन है ना, बी का क्योंकि एम्बिगियस कोडॉन, देखो जनरली जो कोडॉन होते हैं वो नॉन एम्बिगियस होते हैं, नॉन एम्बिगियस मतलब वन अमीनो एसिड कोडेड बाय वन कोडॉन। ठीक है, तो एक ऐसा कोडॉन बताओ जो कि एक से ज़्यादा अमीनो एसिड को कोड करता है, हमने बोला जो वेलिन को जो कोड करता है ना, वेलिन वाला जो जी यू जी होता है गुग, वो कभी कभी मिथिन को भी कोड करता है ना, जब इनिशियल कोडॉन से काम करता है, इनिशियन कोडॉन, इनिशियन कोडॉन जैसे भी काम करता है तो ये क्या करता है मिथिन को भी कोड करता है, तो जी यू डी यू जी इज अ जी यू जी इज एन एम्बिगियस कोडॉन, मतलब ये ना वन वन कोडन कोड फॉर टू अमीनो एसिड, ये ऐसा हो जाएगा, तो जी यू जी, तो बी का वन, बी का वन, ठीक है, तो बी का वन। अब देखने का एम्बर ओपल, तो यहाँ पे हमने बात किया ओ अम्बर, ओकर अम्बल एंड ओपल, ओकर अंगर एंड ओपल, ठीक है, तो यू ए इसका यू ए क्या बोलते हैं हम ओपल, यू ए ए को क्या बोलते हैं ओकर, यू ए को क्या बोलते हैं ओकर, और यू ए जी को क्या बोलते हैं एम्बर, तो यू ए ए इज ओकर, तो डी का यू ए ए डी का फाइव, डी का फाइव, डी का फाइव, एंड अपर एम्बर किसको बोलते हैं, एम्बर बोलते हैं यू ए जी को, एम्बर किसको बोलते हैं यू ए जी को, तो सी का क्या हो जाएगा टू, सी का टू हो जाएगा, सी का टू, एंड डी का फोर, एम्बर किसको बोलेंगे यू ए जी को, एम्बर किसको बोलेंगे यू ए जी को, तो सी का टू, सी का टू, ओके। डैश इज यूज टू प्रोड्यूस अ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल विच इज यूज एज एन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट इन द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, तो स्टेप्टो को सॉरी ट्राइकोडर्मा को हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं और हम ऑब्टेन करते हैं एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम साइक्लोस्पोरिन ए बोलते हैं, जो कि एक इम्यूनो सप्रेसिव होता है, ओके, इट इज ऑप्टेन फ्रॉम अ फंगस दैट इज साइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, ठीक है ना, इम्यूनो सप्रेसिव दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए को ऑप्टेन करते हैं, इट इज अ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल विच इज एन इम्यूनो सप्रेसिव। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू एरेशन टैंक ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एरेशन टैंक क्या होता है, यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है वो उसमें आता है एरेशन टैंक, ठीक है ना, और एरेशन टैंक की बात करेंगे तो एनएरोबिक बैक्टीरिया, एरेशन मतलब हवा, हवा मतलब एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो करेंगे, और हमारे पास सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है अपने पास एक एरेशन टैंक होता है जहाँ पे फ्लॉक्स बनते हैं, फ्लॉक्स मतलब दे आर द दे आर द फ्लॉक्स आर फंगल ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट विच फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे बैक्टीरिया जो कि कैसे होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, तो इन्होंने बोला एनएरोबिक, ये गलत हो जाएगा, है ना, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एरोबिक नहीं होते, सॉरी यहाँ पे एनएरोबिक नहीं होते, एरोबिक बोलते हैं, यहाँ पे एरोबिक होता है, इसलिए तो हमने बोला एरेशन टैंक बोलते हैं, यहाँ पे बायोलॉजिकल
है ना, बायोलॉजिकल इसको ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज नोन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे दो टैंक होता है, एक तो हमारे पास एरेशन टैंक और सेटलिंग टैंक, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जो फ्लॉक्स बने थे एरेशन टैंक में, वो क्या जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। क्या बनाएंगे वो, है ना, दे फॉर्म एक्टिवेटेड स्लज, जो कि नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, सेटल रहता है, जो नीचे सेटल होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। और जो एक्टिवेटेड स्लज होता है उसको कहाँ डालते हैं, एरेशन टैंक में, किसके लिए, इनोकुलेशन की फॉर्म में डाल देते हैं उसको, है ना। तो ये फ्लॉक्स बनाता है, और फ्लॉक्स से क्या बनाते हैं, एक्टिविटी स्लज बनाते हैं। और यहाँ पे बैक्टीरिया कौन से होते हैं, याद रखना, एनएरोबिक नहीं होते, एरोबिक होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, कहाँ का, एरोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, एनएरोबिक का इस्तेमाल नहीं होता, एरोबिक बैक्टीरिया। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बीओडी बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, ऑर्गेनिक मेटाबोलाइज कर दिया। द रेट इन द नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट इज कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इट इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, है ना। एक रेट होता है जिसको कंगारेट हम बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में ये पाया जाता है, जो कि क्या करता है, इंटरनल फैट ऑक्सीजन से अपने पानी रिकॉर्ड फुलफिल कर जाता है, जिसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है, वाटर। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन इन ब्रूट पैरासिटिज्म। ब्रूट पैरासिटिज्म मतलब हमने बोला, ब्रूट पैरासिटिज्म में कुकू जो होती है वो कौवे के घोंसले में अंडा देती है, दैट इज कुकू बर्ड ले इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ द होस्ट नेस्ट। ओके, होस्ट नेस्ट को मतलब कौवे का घोंसले में अंडा देती है, कुकू करने वाली कोयल कांव कांव करने वाले कौवे के घोंसले में अंडा देती है, जिस नोन एज ब्रूट पैरासिटिज्म। इन अ प्लांट रेड फ्रूट डोमिनेट ओवर येल्लो फ्रूट एंड टॉलनेस कैपिटल टी इज डोमिनेट ओवर शॉर्टनेस। इफ अ प्लांट विथ कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल टी डोनोटाइप इज क्रॉस विद अ प्लांट विथ स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जो F1 प्रोजनी होंगे ना, वो F1 प्रोजनी क्या होंगे, दे हैव द जीनोटाइप ऑफ दिस, ये हमारे पास ये ऐसा जीनोटाइप होगा, और ये जीनोटाइप जो होगा यहाँ पे रेड होगा, ये टॉल होगा, रेड टॉल मतलब 100% जो होंगे वो रेड टॉल होंगे, 100% आर रेड टॉल। ऑल ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी टॉल विथ रेड फ्लावर रेड फ्रूट सॉरी। अ मदर इन अ फैमिली हैव फाइव डॉटर इन एक्सपेक्टिंग द सिक्स बेबी द चांसेस ऑफ बींग अ सन इज, देखो हर नई प्रेगनेंसी में हर नए पार्चुएशन के समय हमारे पास जो चांसेस होंगे सन का वो आधा होगा, गर्ल का वो भी आधा होगा, डॉटर का सन डॉटर का चांसेस आधे होंगे और सन के चांसेस आधे होंगे, है ना। लेकिन अगर हमको ये पूछता सक्सेसिव पांच लगातार बॉय होने के चांसेस कितने हैं, तो 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 इसमें 5 बार करना पड़ता, ठीक है ना। लेकिन अभी बोला है द चांस ऑफ, है ना, इट्स बीइंग अन ऑफस्प्रिंग इज, है ना, सन, है ना, द चांस ऑफ इट्स बीइंग अ सन इज 50%। जो बर्थ होगा उसको सन होने का चांसेस 50% है, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, मेल का स्पर्म डिसाइड करेंगे कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा, तो चांसेस एक एक्स एक्स जो होगा, फीमेल तो हमेशा एक्स एक्स बनाएगी, और हमारे पास मेल से एक्स आ सकता है या फिर वाई आ सकता है, तो 50% चांसेस है कि मेल बने या फीमेल बने, ठीक है। ओके, फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पोलिनेशन एक्सेप्ट। जो भी डाई डाई वाला बात आई ना, जो भी चीज़ डाई डाई दिख गई, तो हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन के लिए रिसेप्ट है ना, क्रॉस पोलिनेशन के लिए डाई क्लाइनी क्रॉस पोलिनेशन के लिए डाई डाइकोगेमी क्रॉस पोलिनेशन के लिए डाइको मतलब डिफरेंट गैमी मतलब डिफरेंट टाइप में मैच्योर हुए, होमोगेमी होमो मतलब सेम और सेम टाइप में मैच्योर हो जाएंगे, तो सेल्फ पोलिनेशन प्रमोट कर देंगे, तो यही होगा अपने पास एडेप्टेशन। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मतलब अपने खुद के पॉइंट क्या करेगा, वो रिकॉग्नाइज करके बोलेगा अपना तू भाग यहाँ से, नहीं रखूंगा तेरे को, तो अपने खुद के पॉइंट को ये नहीं करा सकता, इसलिए सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बोला, क्योंकि भाई ये क्या हो जाएगा, ऑटोगेमस। और ऑटोगेमस में क्या नहीं होता, ऑटोगेमिस में अपने पास क्या नहीं होता, ये हमारे पास है ना सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटीज है ना, बिल्कुल, इट इज अ डिवाइस फॉर क्रॉस पोलिनेशन, ये अपने अपने गैमेट्स को ये फर्टिलाइज कर देगा, तो क्या होगा कि हमारे पास वेरिएशन उतने नहीं आएंगे, फिर क्या होगा, ये अडेप्ट नहीं कर पाएगा ठीक से। सो होमोगैमी नहीं हो पा, होमोगैमी इज नॉट अ डिवाइस फॉर क्रॉस पोलिनेशन, और इट इज नॉट द एबिलिटी और अडेप्टिबिलिटी, और क्या बोलते हैं इसको, है ना, डिवाइस। विच इज द फॉलोइंग मेथड ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, विच इज द फॉलोइंग मेथड ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड टू फॉर्म प्रोजेनी हाइब्रिड, ठीक है। तो इन ब्रीडिंग होता है, देखो हम लोग ऐसे ऐसे रहते हैं, देखो ये यहाँ पर याद रखना, ऐसे इन ब्रीडिंग ऐसे देखना, इन ब्रीडिंग एक तो होगा अपने पास, है ना, ब्रीडिंग होगा दो तरीके का, एक होता है इन ब्रीडिंग, होता है आउट ब्रीडिंग, एक होता है इन ब्रीडिंग और एक होता है आउट ब्रीडिंग, है ना। तो आउट ब्रीडिंग में भी दो तरह होगा, एक आउट क्रॉसिंग होगा, ये आउट ब्रीडिंग होता है आउट ब्रीडिंग, तो आउट से आउट वाला पहला, है ना, फिर आउट ब्रीडिंग होगा, फिर क्रॉस ब्रीडिंग, है ना, है ना, आउट क्रॉसिंग सॉरी इन क्रॉसिंग, है ना, बिल्कुल, इन ब्रीडिंग होता है फिर आउट ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉसिंग होगा, आउट क्रॉसिंग और फिर क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे इन ब्रीडिंग में क्या होगा, सेम ब्रीड होगा, सेम ब्रीड होगा,
और आउट क्रॉस में भी क्या होगा, सेम ब्रीड होगा, दोनों में क्या होगा सेम ब्रीड है ना। इन ब्रीडिंग में और आउट क्रॉसिंग में सेम ब्रीड होता है, क्रॉस ब्रीड में डिफरेंट ब्रीड होते हैं ना। सुपीरियर हमारे पास क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होते हैं, डिफरेंट ब्रीड होते हैं। क्रॉस ब्रीड में क्या होते हैं, डिफरेंट ब्रीड। क्रॉस ब्रीड में क्या होते हैं, डिफरेंट ब्रीड। क्रॉस ब्रीड में क्या होते हैं, डिफरेंट ब्रीड होते हैं। बिल्कुल क्रॉस ब्रीड में क्या होगा, डिफरेंट ब्रीड देखने को मिलेगा। क्रॉस ब्रीड में कहाँ देखने को मिलेगा, डिफरेंट ब्रीड। देखो क्रॉस ब्रीड में क्या होता है, यहाँ सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड मेटेड विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड है ना। ये क्या होगा, क्रॉस ब्रीडिंग हो गया। क्या होगा, क्रॉस ब्रीडिंग। विच द फॉलोइंग सेल ऑफ ह्यूमन टेस्टिस आर प्रेजेंट इन रीजन आउटसाइड द सेमिनल फेस्टिब्यूल बट इन द टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो लिडिक सेल होते हैं सेमिनल फेस्टिब्यूल के बाहर लेकिन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। ओके अभी जो फॉलोइंग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेडुला। जो ओवरी होता है वो बाहर पाइट में बाहर की तरफ, वो कॉर्टेक्स होता है बीच में, मेडुला से ये डिवाइडेड होता है। ये मेडुला हो गया, ये कॉर्टेक्स हो गया। ओके ओवरी इज डिवाइडेड इनटू मेडुला एंड कॉर्टेक्स। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ और पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग ऑक्सीटोसिन। सही बात है। द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ ऑल प्राइमेट मैमल है ना, द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ ऑल प्राइमेट मैमल इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। सही बात है। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम ऑफ द फिटस इंक्लूडिंग जेनाइटल ऑर्गन आर डेवलप बाय द एंड ऑफ 12 वीक। नहीं, दे आर डेवलप अबाउट द वीक ऑफ द एंड ऑफ 12 वीक, मतलब 3 मंथ। 3 मंथ तक क्या बन जाता है, अपने पास मेजर ऑर्गन बन जाते हैं। तो ये सिस्टम अपने पास गलत हो जाएगा है ना। इन द सेकेंड म्योटिक डिवीजन, द सेकेंड म्योटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट इज अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड द सेकेंड पोलर बॉडी। यस, जो सेकेंड म्योटिक डिवीजन होगा उसमें क्या बनेगा है ना। देखो हमने बोला पार्चुरेशन इज अ न्यूरो कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है द सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप फिटस एज वेल एज द प्लासेंटा। दोनों से डेवलप, दोनों से मिलता है यहाँ पे, ठीक है ना। फुल्ली डेवलप फिटस से भी जो सिग्नल होता है फुल्ली डेवलप फिटस से भी मिलता है, प्लासेंटा से भी फिटल मिलता है, ठीक है। ओके और बात करेंगे, हमने बोला यहाँ पे कि देखो ये हो गया, अपने पास जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बन जाते हैं, मतलब 12 वीक्स में बन जाते हैं, ठीक है। ओके इसके लिए चार्ट देख लेते हैं, चार्ट देख लेना, लाइनों पे नहीं चलना, अपने को चार्ट देख लेते हैं। पहले फर्स्ट फर्स्ट मंथ में हार्ट बन जाएगा, सेकंड मंथ में लीम एंड डिजिट बन जाएंगे, थर्ड मंथ में मेजर ऑर्गन बन जाएंगे, फिफ्थ मंथ में मूवमेंट देखने को मिलेगा, पहला मूवमेंट फिफ्थ मंथ में, पहला मूवमेंट फिफ्थ मंथ में देखने को मिलेगा, फर्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा फिफ्थ मंथ में, और सिक्स मंथ में हेयर बन जाएगा, आईलिड सेपरेट हो जाएगा सिक्स मंथ में, ठीक है। तो अपने पास पूछा क्या है इसमें, बताओ इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट इसी, एक ही इनकरेक्ट है यहाँ पे, एक ही इनकरेक्ट है अपने पास यहाँ पे, एक ही इनकरेक्ट है यहाँ पे, एक ही इनकरेक्ट है। ओके एक ही इनकरेक्ट है, चलो यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। विच द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बट इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है वो रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिटेड डिसीज तो नहीं है जेनेटल है ना, या फिर मैंने बोला हेपेटाइटिस रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि हेपेटाइटिस देखो हिपेटर हिपेटाइटिस बोलते हैं लीवर को, हेपेटाइटिस आइटिस आ गया तो हमने बोला इन्फ्लामेशन, मतलब लीवर का साइज बढ़ जाता है किसमें, हेपेटाइटिस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच अबाउट एलर्जी एंड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। एंटीजन जो होते हैं एलर्जी के समय काम आते हैं, एलर्जी के समय जो एंटीजन काम आते हैं वो कौन से होते हैं, मैंने बोला देखो पोलन होते हैं, बाहर से आते हैं डस्ट एनिमल फॉर दे हो सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जेंस बोलते हैं। एंटीबॉडी द लीस्ट कंसेंट्रेशन IgE, जो IgE होता है वो एलर्जी के समय रिलीज होता है, लीस्ट कंसेंट्रेशन ब्लड में सबसे कम पाया जाता है। सेल टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होते हैं, नहीं 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 यहाँ पे टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट नहीं होते। केमिकल हिस्टामिन और सेरोटोनिन निकलता है, लेकिन कौन से सेल से निकलता है, ये मैंने बोला सर मास सेल से निकलता है, तो ये अलग हो जाएगा अपने पास। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्मैक इज केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन विच इज व्हाइट ऑडरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। यस, क्योंकि कहाँ से बनता है ये, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से बनता है स्मैक, ठीक है। तो ये सही है अपने पास। कोक सॉरी क्रैक इज कोका एल्कोलाइड इज ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट, दैट इज थ्रिबोमा कोका, नहीं नहीं इरिथ्रोसाइलम कोका होता है, ये गलत हो गया। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ लंग, सही बात है। क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल डैमेज द नर्वस सिस्टम एंड लीवर, सही बात है। तो यहाँ पे हमने बोला कि देखो हमारे पास एलर्जेंस हो जाएंगे, IgE जो होता है अपना काम खेलता है, गेम खेलता है एलर्जी के समय, ऑफियोइड में आने वाला हेरोइन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्मैक बोलते हैं, दैट इज का एसिटाइल डाई एसिटाइल मॉर्फिन। ओके और हमने बोला जो हमारे पास कोकिन होता है, सो कोक बोलते हैं, जनरली स्नॉटेड, जनरली स्नॉटेड एंड इट इज अपटेन फ्रॉम इरिथ्रोसाइलम कोका है ना। कोकिन और कोका एल्कलाइड इज अपटेन फ्रॉम द इरिथ्रोसाइलम कोका विच इज नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ नॉर्थ नॉट नॉर्थ अमेरिका, इट इज नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका। और बताओ हमने बोला जो क्रोनिक यूजेस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल, क्रोनिक यूजेस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल डैमेज और नर्वस सिस्टम एंड द लीवर, लीवर में क्या करेगा, किरोसिस कस करेगा। तो अपने पास क्या है इनमें से करेक्ट पूछा, तो वन वन सी एंड डी, ए सी डी, ए सी डी इज करेक्ट, ए सी डी इज करेक्ट, ए सी डी इज करेक्ट। ओके ओके नेक्स्ट।
ओके, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच जिलीडियम गार्सिनी जैसे क्या अपन करते हैं, हमने बोला गारा गारा जो कि किस में काम आता है, आइसक्रीम बनाने में, आइसक्रीम बनाने में जिलीज में काम आता है। स्पाइरुलिना दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट फॉर स्पेस ट्रैवलर, दूसरा सेंटेंस भी सही है। एल्गी क्लोरेला यूज्ड इन कफ सिरप, नहीं क्लोरेला का इस्तेमाल कफ सिरप में नहीं होता, ये सही है अपने पास, ये सही है, लेकिन क्लोरेला का इस्तेमाल फूड के स्पेस फूड में होता है, कफ सिरप में नहीं होता, ठीक है ना। कफ सिरप में इस्तेमाल किसका होता है, अगर अगर का ब्राउन एल्गी एनिमल्सिफाइंग एजेंट, ब्राउन एल्गी से एल्जी ने अप्रेंड करते हैं जो कि इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। विच टिश्यू इज नॉट करेक्टली रिलेटेड विद इट्स फिट ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ में तो प्राइमरी फ्लेम की बात ही नहीं आएगी, सेकेंडरी ग्रोथ में तो प्राइमरी फ्लेम की बात ही नहीं आएगी, प्राइमरी चीज़ें तो सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ में पाए थे, सेकेंडरी ग्रोथ में प्राइमरी चीज़ का रोल ही नहीं है। द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज करस्पॉन्ड टू द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, नो इट इज अ टर्शियरी स्ट्रक्चर, जो कि मैंने बोला टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, टर्शियरी स्ट्रक्चर यार, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। ओके, मैच द कॉलम वन विथ कॉलम टू, मैच द कॉलम वन विथ कॉलम टू, ठीक है ना। माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट में बता दे रहा, माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन है, आयरन इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, आयरन इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है ना। तो वन का ए, वन का ए, वन का ए, टू का सी, टू का सी, क्योंकि हमारे पास जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो सल्फर है, माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे पास कौन है, सल्फर, सल्फर 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 इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है ना। तो अपने पास टू का क्या हो जाएगा, सी, और थ्री नाइट्रिफिकेशन कौन करेगा, नाइट्रोसोमनास, तो थ्री का बी, थ्री का बी, थ्री का बी, और फोर का डी, फोर का डी, यस, डीनाइट्रिफिकेशन कौन करेगा, थायोबैसिलस, थायोबैसिलस जो होता है वो क्या करता है, डीनाइट्रिफिकेशन, देखो थायोबैसिलस एंड सुडोमोनास आर डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, एंड नाइट्रोसोमनास क्या करेगा, नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोकोकस कन्वर्ट द एमोनिया टू नाइट्राइट, दैट इज एनओ NH3 को NO2 में कन्वर्ट करने से नाइट्राइट बैक्टीरिया बोलता हूँ इसको, नाइट्रिफिकेशन किसमें, नाइट्रिफिकेशन में बोलते हैं। ओके, तो ये अपने पास हो गया। इन द विच द फॉलोइंग केस माइस विल रिमेन अलाइव इन द ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, तो हीट किल असिस्टेंट में क्या होगा, माइस अलाइव होगा, हीट किल असिस्टेंट में क्या होगा, माइस अलाइव होगा, क्योंकि माइस में क्या होगा, यहाँ पे हीट किल असिस्टेंट में क्या हो जाएगा, प्रोटीन मशीनरी डिनेचर हो गई, खत्म हो गई, और डीएनए फ्रॉम हीट किल असिस्टेंट एंड आर स्टेन इंजेक्टेड कर देते हैं, तो जो हमारे पास जो हीट किल है ना उसमें से डीएनए ट्रांसफर कर देगा किसको, आर को, ट्रांसफॉर्म कर देगा आर को किसमें, असिस्टेंट में, तो मर जाएगा।